हाय फ्रेंड्स, मैं आरती। ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए एक अपडेट न्यूज़ लेके आई हूँ। और ये न्यूज़ जो है व्हाट्सएप पे बहुत चल रही है, और जो ग्रुप बना हुआ है उसमें भी ये न्यूज़ आई थी कि जो आपकी सेकंड ईयर की एडमिशन फीस थी वो जो है आगे के लिए बढ़ा दी गई है। जो कि आपकी जो 7 जुलाई जो थी वो लास्ट डेट थी इसको सबमिट करने की, लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि ये डेट जो है आगे कर दी गई है। और क्या है हकीकत, क्या है फसाना, चलिए आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। तो देखिए, इस वक्त हम आपके NIS की साइट पे हैं, आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले ऑनलाइन सबमिशन ऑफ सेकंड ईयर एडमिशन जो फीस है उस पे चलते हैं। और जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है स्पष्ट लिखा हुआ है, आप देख लीजिए कि द्वितीय वर्ष से प्रवेश शुल्क ऑनलाइन 7 जून से 7 जुलाई तक ही सबमिट किया जाएगा, और द्वितीय वर्ष का प्रवेश 7 जुलाई 2018 के अंतिम तिथि के बाद फिर से नहीं खुलेगा। तो यहाँ पे स्पष्ट और क्लियर कर दिया गया है, आप इस चीज़ को यहाँ से देख सकते हैं। यदि आपके जो रजिस्ट्रेशन की डेट है आगे बढ़ाई जाती है तो यहाँ पे आपके साइट पे भी एक लिंक आता, तो ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। पहले सेमेस्टर परीक्षा में असफल या अफसर शिक्षक परिणाम की घोषणा के बाद परीक्षा के लिए उचित पंजीकरण के बाद फर्स्ट वर्ष की आगामी परीक्षा में शामिल होंगे, और ऐसे शिक्षकों को भी 7 जुलाई तक दूसरे वर्ष में प्रवेश करने की आवश्यकता है, तो उनको भी यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है सेकेंड ईयर के लिए कराना पड़ेगा। तो जो एक चीज़ निकल के आ रही है बार बार, और जो वो मैसेज है, चलिए पहले उस पर नज़र डाल लेते हैं कि व्हाट्सएप पे ऐसा कौन सा मैसेज है जो इस समय चल रहा है और आप लोग के समझ में नहीं आ रहा है, हम उसे क्लियर करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वो मैसेज जो इस समय व्हाट्सएप पे चल रहा है और ग्रुप में भेजा गया था, आप ये नोटिफिकेशन को देख रहे हैं। इसको पढ़ने के बाद जो इसमें एक सवाल उठता है वो ये है कि ये स्ट्रीम 2 क्या है। ठीक है, तो देखिए, ये जो स्ट्रीम 2 है फॉर एकेडमिक सीजन के लिए है और 2018-19। अब चलिए देख लेते हैं, जो डेट बढ़ने की बात चल रही है, आप कह रहे हैं कि जो डेट है वो 15 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। बिल्कुल सही है, 15 जुलाई तक डेट जो बढ़ाई गई है, लेकिन वो आपके लिए यानी जो NIS से DLED कर रहे हैं उनके लिए नहीं है। उनकी जो लास्ट डेट है वो 7 जुलाई ही है सेकंड ईयर रजिस्ट्रेशन की, तो इस चीज़ पे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर ये स्ट्रीम 2 है क्या। तो चलिए फिर से चलते हैं आपके साइट पे। तो चलिए फिर से आपके NIS साइट पे चलते हैं, और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसके लिए आपको NIS के साइट पे चलना होगा और टीचर जो शिक्षक अनुभाग है इस पे चलना होगा। और इसके बाद जब आप इस तरह से स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको, आप इस चीज़ को यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो दिया है क्लिक हियर टू रजिस्टर फॉर हायर जो सीनियर सेकेंडरी कोर्स है, इस पे आपको क्लिक करना होगा। और इस पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, चलिए मैं इसे जूम कर देती हूँ, और आप यहाँ से देख सकते हैं स्ट्रीम 2, क्लिक हियर टू रजिस्टर अंडर दिस स्ट्रीम। तो जो ये आपका स्ट्रीम 2 है ये आपका हायर सेकेंडरी के लिए है, यानी जो लोग 12th कर रहे हैं NIS से उन लोगों के लिए है, और उन लोगों के भी इसमें एग्ज़ाम की जो फीस है रजिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ से ऑनलाइन फॉर्म जो है वो भरा जा रहा है। तो ये जो फीस, तो ये जो मैसेज वायरल हो रहा है वो NIS का ही है, और वो डेट जो है वो बढ़ा दी गई है, लेकिन वो आपकी DLED की नहीं बल्कि 12th क्लास की है जो वहाँ से हायर सेकेंडरी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप आई थिंक आप क्लियर हो गया होगा। आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं कि ऑनलाइन एडमिशन इज़ ओपन फॉर ऑल दोज लर्नर हु हैड अपेयर बट कुड नॉट क्लियर आर हु वेयर एलिजिबल बट कुड नॉट अपेयर द पब्लिक एग्जामिनेशन ऑफ सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी लेवल्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड एग्जामिनेशन बोर्ड। तो ये उन लोगों के लिए है और जिनके एग्ज़ाम देके सितंबर और अक्टूबर में होने हैं, तो उन लोगों के लिए है कि जो उनकी लास्ट डेट थी, शायद उनकी भी लास्ट डेट जुलाई 7 ऐसे ही थी, तो उनको एक और मौका दिया गया है, उनकी जो फीस है डेट है वो आगे बढ़ा दी गई है। तो ये क्लियर हो गया है कि जो ये मैसेज इस समय व्हाट्सएप पे चल रहे हैं तो वो है NIS का है, बिल्कुल सही है, लेकिन वो हायर सेकेंडरी के लिए है, जो NIS से DLED कर रहे हैं आप लोगों के लिए नहीं है।
तो प्लीज़ आपकी जो सेकंड ईयर रजिस्ट्रेशन फीस है वो लास्ट डेट 7 जुलाई ही थी और वही है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन साइट पे नहीं आया है। यदि आता है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, बट पॉसिबिलिटी उसकी कम दिख रही है क्योंकि ऑलरेडी 1 मंथ का टाइम आपको दिया जा चुका है, 7 जून से 7 जुलाई, तो बहुत काफ़ी होता है। और फिर आपके रिजल्ट निकलने वाले हैं और सितंबर में आपके एग्ज़ाम से 2 मंथ बाद होने वाले हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि जो आपकी डेट है वो आगे जाएगी। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक फीस नहीं भरी है, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो करवा लीजिए। और जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया उनको भी करवाना है, रजिस्ट्रेशन सेकंड ईयर का उनको भी करवाना है। दूसरी बात, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे ये कमेंट्स मैसेज आ रहे हैं और कमेंट्स भी आ रहे हैं कि जो आपने पेमेंट किया है वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा, आपकी पेमेंट जो है श्योर नहीं हो पा रही है, पैसे कट जा रहे हैं। तो देखिए, आप परेशान मत होइए। आप मैंने एक वीडियो जो पिछला बनाया था उसमें भी आपको स्पेशली बताया था कि उसमें खुद लिखा हुआ है कि 24 आवर्स आपको वेट करना होगा, आपका जो स्टेटस है उसे आप चेक करिएगा तो ऑटोमेटिक क्लियर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इस समय साइट में रश इतनी ज़्यादा है कि उसका सर्वर जो है वो डाउन हो चुका है, तो उसमें प्रॉब्लम जा रही है, प्रॉब्लम्स हो रही है उसकी वजह से भी, पर आप परेशान ना हो। और एक और आपसे गुजारिश है कि यदि आपने एक बार पेमेंट कर दिया है तो प्लीज़ आपकी पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होती है, कोई मैसेज नहीं आता है, ओटीपी नहीं आता, तो प्लीज़ आप दोबारा पेमेंट ना करें, आप वेट कर लें। आपका जो फर्स्ट पेमेंट है वही आपका आगे चल के कुछ दिनों बाद सक्सेसफुल हो जाएगा, वरना आपको दोबारा मौका दिया जाएगा करने का, क्योंकि दोबारा मौका मिलने की पॉसिबिलिटी इसलिए दिख रही है क्योंकि पेमेंट सभी के नहीं हो पा रहे हैं, फेल बता रहा है। और दूसरी बात कि अभी जो स्टेटस है वो भी अपडेट नहीं किया गया है, तो जिन लोगों का फेल बता रहा है, मान लीजिए उनका पैसे तो उनके चले गए लेकिन उनकी जो पेमेंट है वो नहीं हो पाई है, तो हो सकता है उन लोगों को मौका दोबारा दिया जाए। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि जो आपका मैसेज चल रहा है व्हाट्सएप पे वो 12th क्लास के लिए है, डिलर वालों के लिए नहीं है। दूसरी बात, अगर आपका पेमेंट फेल हो गया है, पैसा कट गया है और कोई इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुल का नहीं आया है, तो आप परेशान मत होइए, कुछ दिनों बाद ऑटोमेटिक आप अपने स्टेटस पे चेक करते रहिए, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। आई थिंक कि आपके काम ये वीडियो बहुत आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर भी करिए, क्योंकि बहुत से लोग इसके लिए परेशान हैं, जितने ग्रुप हैं वहाँ सब में इस तरह के मैसेज आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।